दोस्तों पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय BA BSc में एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म को किस प्रकार से फिल करना है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखते रहिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाल का क्लिक जरूर करें जो लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है। तो आपको गूगल पर जाकर यहाँ पर लिख देना है दोस्तों, आपको परसों इस प्रकार से लिख के यानी कि सर्च कर देना है परसों PRSU इस प्रकार से लिख के सर्च करेंगे तो दोस्तों पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का वेबसाइट इस प्रकार से आ रहा है। तो हमें जाना है persouni.in इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यह आ रहा है फॉर्म खुल के, तो हमें दोस्तों यहाँ पर आ रहा है एडमिशन लॉगिन, इस प्रकार से पीले कलर में आ रहा है एडमिशन लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करें दोस्तों एडमिशन के लिए इस प्रकार से पेज जो है खुल गया है। अगर आप पंजीयन कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ पर यूज़र नेम एंड पासवर्ड इस प्रकार से आ रहे हैं। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपका जो 12वीं में नाम है, आपके मार्कशीट में नाम है, उसी को यहाँ से फिल करना है, सेम। तो यहाँ पर फुल नाम अपना डालना है, उसके पश्चात यूज़र नेम में आपको अपना 12वीं का रोल नंबर को डालना है और पासवर्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ को डालना है, डेट डालना है, फिर दोस्तों स्लैश करना है, इस प्रकार से तिरछा लाइन करना है, फिर आपको मंथ कोड लिखना है, जो भी मंथ है 0 करके है तो 01 है, 02 है, 03 है या 10 है, इस प्रकार से। उसके बाद आपको ईयर को पूरा लिखना है, जैसे 1998 है, 2000 है, 2003 है, 2004 है, इस प्रकार से उसको लिखना है। फिर आपको पासवर्ड को सेम उसी प्रकार से लिखना है, आपका डेट ऑफ बर्थ जो है पासवर्ड रहेगा और आपका ईमेल आईडी जरूर डालें और आपका मोबाइल नंबर को डाल के यहाँ पर साइन अप पर करेंगे तो आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड बन के तैयार हो जाएगा। उसके पश्चात दोस्तों बनने के पश्चात हमें बाहर आना है और बाहर आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों यूज़र नेम में आपको अपना रोल नंबर को डालना है, पासवर्ड में आपको डेट ऑफ बर्थ को डालना है। तो इस प्रकार दोस्तों यह फॉर्म का आपको फिलअप करने हैं, आगे प्रोसेस करने हैं, आगे हम लोग देखेंगे। जो वीडियो आपको बताया जाएगा दोस्तों प्रोसेस सेम है, इसमें किसी प्रकार से कोई चेंज नहीं हुआ है। तो आपको दोस्तों हमारा एक पुराना ही वीडियो उसको आपको ऐड कर दिया जा रहा है ताकि आप बिना गलती बिना मिस्टेक के अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो जो है आगे लास्ट तक जरूर देखें, इस वीडियो को आपको सभी दोस्तों में शेयर जरूर करें। पेज खुलने पर यहाँ पर देखिए दोस्तों सबसे पूछ रहे यूज़र नेम, फिर पासवर्ड, उसके बाद लॉगिन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जो है आप क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे, फिर इस पर क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है आपका नाम, फिर आपका जो है 12वीं का रोल नंबर, फिर पासवर्ड में आपका जो है डेट ऑफ बर्थ रहेगा, फिर उसी पासवर्ड को फिर यहाँ पर री इंटर करना है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है अपना ईमेल आईडी देना है। ईमेल आईडी देने के बाद यहाँ पर आपको जो है मोबाइल नंबर फिल करना है, फिर आपको जो है सिंगअप करने के बाद जो है आपको जो है OTP जो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो है सेंड करेगा, फिर दोस्तों उसको जो है यहाँ पर जो है फिल करके सिंगअप करना है। तो आपको बता दूँ कि आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो आपको जो है एक फ़ोटो चाहिए, एक जो है आपको जो है फ़ोटो चाहिए आपका और सिग्नेचर चाहिए, जो फ़ोटो भी स्कैन वाला होना चाहिए और सिग्नेचर भी जो है 50 KB से जो है कम होना चाहिए। आपको जो है फ़ोटो का साइज और सिग्नेचर का साइज 50 KB से कम होना चाहिए और आपको जो है 10वीं और 12वीं का मार्कशीट का भी स्कैन वाला कॉपी चाहिए, उसका भी साइज जो है 50 KB से कम होना चाहिए। फिर दोस्तों यहाँ पर जो है आप अपना यूज़र नेम सभी डालने के बाद एक OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, जो मोबाइल नंबर दोगे उस पर। उसके बाद जो है पेज आगे खुलेगा जहाँ पर जो है आपको अपना फ़ोटो और यानी कि फ़ोटो और स्कैन किए हुए आपको जो है सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए बोलेगा। तो उसको भी मैं बता देता हूँ कि किस प्रकार से मांगता है। तो फिर दोस्तों फिर आगे बढ़, फिर जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर पूछ रहे हैं आपको जो है फुल नाम है, यूज़र नेम में जो है रोल नंबर रहेगा 12वीं का, फिर ईमेल आईडी में जो है आपका जो है अपना खुद का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालोगे। फिर उसके बाद यहाँ पर दोस्तों नीचे आपका पूछ रहा है अपलोड योर प्रोफाइल पिक, फिर उसके बाद अपना जो है जो भी फ़ोटो उसको यहाँ से सेलेक्ट करने, उसके बाद यहाँ पर जो है अपलोड करने, फिर सिग्नेचर है, सिग्नेचर को जो है यानी कि फाइल से लाना है यहाँ पर, फिर उसके बाद अपलोड करना। जैसे आप लोग सिंगअप करेगा तो पेज जो है आगे खुल जाएगा, तो किस प्रकार से खुलेगा वो भी आपको मैं बताऊँगा, तो देखते रहिए। फिर दोस्तों जैसा कि आप लोग बोल रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेसन, फिर हमारा जो है रजिस्टर जो है सक्सेसफुल हो गया है, हमारे यूज़र नेम और पासवर्ड भी मिल गए, फिर यहाँ पर फ़ोटो है,
यहाँ पर जो है सिग्नेचर है। तो दोस्तों इस सुरक्षा के कारणों के वजह से जो है मैं इसे ब्लर कर रहा हूँ, तो इसके लिए क्षमा करें। फिर आपको जो है ये जो आईडी पासवर्ड है आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो है सेंड कर देगा। फिर उसके बाद दोस्तों आप जो है आगे जो है लॉगिन करना है आपको, चलिए उसको भी आपको बता देता हूँ। फिर दोस्तों जैसा कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, फॉर्म जो है इस तरह से जो है खुल जाएगा। अपलोड करने के बाद फॉर्म जो है इस रूप में जो है उत्पन्न हो जाएगा, जो फोटो और सिग्नेचर को जो है सुरक्षा के कारणों की वजह से मैं उसे ब्लर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें जो है यहाँ पर लिखना है अपना स्टूडेंट नाम जो 12वीं मार्कशीट में है, फिर स्टूडेंट का नाम हिंदी में लिखना है, फिर उसके बाद जो है अपने 12वीं मार्कशीट में जो है पिताजी का नाम उसको लिखना है। अगर आपका पिताजी के अलावा जो है आपको गार्जियन आपका देख रेख करने वाला है उसका नाम लिख सकते हैं। फिर माता जी का नाम लिखना है जो आपके 12वीं में जो है उसके हिसाब से। फिर दोस्तों उसके बाद जो है हमें लिखना है छत्तीसगढ़ से हैं या नहीं। फिर आपको पूछ रहे हैं हैंडीकैप कैटेगरी एसटी एससी ओबीसी, फिर आपका जो है जेंडर पूछ रहा है, फिर आपको जो है आधार नंबर, फिर आपका मार्कशीट जो 12वीं के में है उसका डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, फिर माइनॉरिटी यस या नो, अल्पसंख्यक, फिर आपका मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद क्या हॉस्टल में रहते हैं उसको जो है, फिर आपका वार्डन फ्रीडम फाइटर कि आप वार वाला यानी कि सैनिक, फिर जो है युद्ध वाला, फिर उसके बाद जो है वार लिखना है कि आप सर्विसमैन हैं के फैमिली से हैं कि आप जम्मू कश्मीर से हैं, तो इसको भी जो है फिल करना है। फिर दोस्तों एक्स्ट्रा जो है सर्कुलेट डालना है कि आप एनसीसी एनएसएस या स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, तो इसको भी फिल करना है। फिर यहाँ पर जो है आपको अपना एड्रेस फिल करना है, फॉर्म जो है इस प्रकार से खुलेगा। फिर आपको जो है पिन कोड देना है अपना डिस्ट्रिक्ट स्टेट, अगर आपका एड्रेस सेम है तो यहाँ पर जो है हमें जो है जैसा कि आप देख पा रहे हैं परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉरेस्पोंडेंट, तो यहाँ पर जो टिक लगाना है फिर जो सेम हो रहेगा वो आ जाएगा। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर दोस्तों हम जैसा कि आगे आ गए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हमें जो है एकेडमिक डिटेल देना है हमारे यानी कि कौन 10वीं 12वीं का, तो यहाँ पर दिया है हाई स्कूल का स्ट्रीम तो रहता नहीं। फिर उसके बाद जो हमें रोल नंबर देना है, फिर स्कूल का नाम देना है, बोर्ड नेम देना है, फिर पासिंग ईयर देना है, फिर आपको कितना नंबर प्राप्त हुआ है ऑप्टेंड, फिर टोटल मार्क कितना था उसमें जो आप परसेंट लिखोगे तो परसेंट आ जाए, फिर आपको जो है रिजल्ट पास है या फेल थे उसको। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों अपलोड मार्कशीट बोर्ड है, तो यहीं पर जो हमें 10वीं का मार्कशीट अपलोड करना है, और नीचे जो है 12वीं का है, 12वीं में हमें लिखना है स्ट्रीम में अगर कौन से कैटेगरी आर्ट कला साइंस कॉमर्स कृषि, यानी कृषि का तो नहीं है लेकिन आर्ट कॉमर्स साइंस जो है यहाँ पर जो है डालना है स्ट्रीम में। फिर उसका रोल नंबर देना है, फिर आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसका नाम देना है, फिर बोर्ड का नाम देना है आप कौन से राज्य से के जो है एग्ज़ाम से पास किए, हमारा छत्तीसगढ़ है तो हम CGBSE रहेगा छत्तीसगढ़ बोर्ड, फिर उसके बाद पासिंग ईयर, फिर उसके बाद कितना नंबर प्राप्त हुआ है टोटल में से, फिर यहाँ पर टोटल नंबर देना है परसेंट यहाँ पर आ जाएगा, फिर आपको यहाँ पर देना है रिजल्ट हमें जो देना है पास है या सफली उसको भी, फिर यहाँ पर जो है मार्कशीट हमें अपलोड करना है। फिर दोस्तों कोर्स टाइप हमारा जो है UG है, अंडर ग्रेजुएट है यानी कि ग्रेजुएशन स्तर पर, फिर ईयर को लिखना है फर्स्ट ईयर, उसके बाद स्टूडेंट टाइप को लिखना है रेगुलर प्राइवेट नॉन कॉलेज, इसको जो है फिल करके जो है हमें यहाँ सभी को फिल करोगे तो यहाँ पर जो सेव का ऑप्शन आएगा। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आपको बताता हूँ कि आप कॉलेज को किस प्रकार से सिलेक्शन कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्तों जैसा कि आप लोग को यहाँ पर मैं बता रहा हूँ पेज जो है आगे यानी कि खुलेगा इसके बाद पंडित रविशंकर का, तो यहाँ पर दिया है आपका डिटेल जिसको आप एडिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है आपको फैकल्टी टाइप करना है जिसमें आप BSc से हैं, BSc BCom जो भी आप सब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद जो है कॉलेज फैकल्टी को सेलेक्ट करना है जिसमें आप कोई भी एक कॉलेज का नाम जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट कौन से ग्रुप में हैं, बायो साइंस आर्ट बायो, तो आप जो जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं उस पर जो है टिक लगाना है, उसके बाद जो है सेव कर देना है। जैसे हम लोग सेव करेंगे तो यहाँ पर जो है खुलकर आ जाएगा आपका नाम, फिर उसके फादर नाम, मदर नाम, फॉर्म नंबर और कॉलेज का जो है प्रिंट, अब जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ का जो है यहाँ पर कॉलेज आ जाएगा, यहीं पर जो आपको प्रिंट मिलेगा। जैसे आप कॉलेज पर जो है क्लिक करोगे तो आपको जो है प्रिंट
मिल जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, मेरे में एक समस्या उत्पन्न हो रहा है कि जो है कॉलेज का फॉर्म जो है मोबाइल से प्रिंट नहीं हो रहा, इसी कारण से मुझे कंप्यूटर से जो है प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो इसी पर आप जो है जब भी आप प्रिंट करवाओ तो कंप्यूटर सेंटर चले जाना, आईडी पासवर्ड दे देना और उसके बाद जो है आप प्रिंट ले लेना। फिर उसके बाद जो फॉर्म प्राप्त होगा।